हाँ, कहाँ से आए हो? क्या नाम है? अच्छा, पहली बार आए? किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? किसी को नाम तो नहीं तुमने बताया था? फिर हमें कैसे पता लगा, बता। राम नजदीक आए, पढ़े लिखे हैं, क्या समाधान चाहते हैं? जी माइक लो और पूछो। 35 साल से मैंने शादी किया है, हाँ, बहुत खर्चा किया, दस बारह संतति योग पंद्रह नहीं पंद्रह बना। लाख कर्जे में आ गया और बच्चे भी नहीं हुए, पैसा डॉक्टर ने लूट लिया और भाई भी मुसीबत आ गई है और भाई को क्या हो गया? वो भी कर्जे में है। ठीक है, एक विषय और, तीन प्रश्न आए आपके, और भक्ति भगवान की मेरे को सदा। पढ़िए। बहुत दिमाग उचाटत रहता है तुम्हारा, आज से ही भक्ति बढ़ेगी, कहा था अगर सत्य भक्ति हो हमारी तो अर्जी स्वीकार करो, ऐसा तुमने कहा था मंदिर पे, कहा था? लीजिए। नंबर दो, अर्जी संतान की लेकर आए हैं, योग नहीं है, उस चक्कर में ना पड़े, ठाकुर जी को ही पुत्र योग माने। एग की समस्या, अंडे ना बनने की समस्या, गर्भाशय सिकुड़न, अन्न अन्न आई चीजें डॉक्टरी इलाज में आई हैं। अब नॉर्मल सब कुछ आया, लेकिन फिर भी आराम नहीं लगा, ना दवा से ना कृपा से। नंबर दो, भाई ने गलत निर्णय लिया है, लेकिन वो एक वर्ष के अंतर्गत निकल जाएगा, सफल हो जाएगा, बेइज्जती उसकी नहीं होगी, स्ट्रेस में नहीं जा पाएगा, बागेश्वर धाम के दर्शन करवा देना, आशीर्वाद है। मिसेज और भी आएगी, तुम्हारी भक्ति सही मिसेज है। आएगी, थक सुबह से लगी हुई थी, मिसेज चली गई, रूम में चली गई। कोई बात नहीं, सुबह मिलवा, कल तो हम व्यस्त रहेंगे, मंगल को आप मिलवा देना। बोलो बागेश्वर धाम की जय। दीवाल पर आपको लिखना है, दीवाल पर आपको दाहिने तरफ लिखना है, इसी को जो जिसमें गोला लगा हुआ है, ठीक, बस इसी का पूजन, इसी का जाप, पुरुषार्थ तुम्हें करना, बालाजी की खूब करो, उनकी, उनको ही पकड़ो, हमको नहीं पकड़ना, हम तो इंसान हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मोरो प्यारा, खुश रहे, बद बद चलो। कहाँ रहते हैं? क्या नाम है? ओ, राजपाल। यहाँ किसी को अपना विषय या नाम तो नहीं बताया? नहीं महाराज, किसी ने पूछा तो नहीं? नहीं गुरुदेव। हाँ, क्या समाधान आप चाहते हैं? प्रभु घर में एक मंदिर बन जाए, जी जीवन भर भक्ति में जुड़ा रहा हूँ मैं। किसकी? बालाजी, ठीक है, और और एक हमारा भांजा है, वो नौकरी में लग जाएगा। पढ़िए। कलेश नहीं बनेगा, चिंता ना करें, पितृ दोष का उपाय करवा लें, मंदिर का काम पूर्ण हो जाएगा, सभी उपद्रव दूर होंगे, 100% भांजा नौकरी पाएगा, एक वर्ष के अंतर्गत आशीर्वाद है। चरण हमारे ना छुओ, बब्बाजू के छुओ। ये तैयारी कर रहा है, बहुत परेशान है, लेकिन मन विचलित हो गया तुम्हारे, इसका दो बार विफल हो गया है,
दो बार विफल होने के कारण में वर्तमान में स्ट्रेस में है, मन इसका बहुत उच्चाटित है, गलत संगत में भी पड़ गया है। इसको लेकर के धाम आइए, बालाजी के दर्शन कराइए। हम तो इनको रास्ता दिखा सकते हैं, चलना इन्हें पड़ेगा, सिविल सर्विसेज मार्ग में ही ये सफल होगा। आशीर्वाद है। कोई संदेह? बराबर। पधारो।